एनफोर्समेंट दरोगा का आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का पार्ट टू करेंगे। इससे पहले आपको पार्ट वन दिया जा चुका है, इसका सिलेबस जो है वह टॉपिक नंबर 25 है। आज के जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 30 प्रश्न है और इसका कट ऑफ जो है वह 23 का है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का इनमें से क्या कार्य नहीं है? आपको यह बताना है। नोट निर्गमन, बैंकों का बैंक, सरकार का बैंक, जनता से जमा स्वीकार करना। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है यह करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई जनता से जो है पैसा वो नहीं लेती है। यह सेंट्रल बैंक है इंडिया का और इसे बैंकर्स बैंक कहते हैं, मतलब बैंकों का बैंक कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? यह बताना है। तो मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है वह देवास में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? हमने इस प्रश्न को क्वेश्चन नंबर वन में डिस्कस किया है, तो इसका प्रश्न, इसका जो उत्तर है काफी आसान होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई को जो है बैंकर्स बैंक कहा जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1 जुलाई, आपको यह तिथि याद होना चाहिए, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने लगा। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो है वह मुंबई में। आपको यह बताना है कि स्टेट बैंक के जो है अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई के मुख्यालय भी जो स्थित है वह है मुंबई में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जो है वह जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है आरबीआई एक्ट के अंतर्गत। यह आरबीआई को पावर होता है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रुपीज वन नोट जो होता है, 1 रुपए का जो नोट होता है, वह आरबीआई जारी नहीं करता है। इसे जो इश्यू करता है वह करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और 1 रुपए के नोट पर जो सिग्नेचर होता है आरबीआई के गवर्नर का नहीं, हालांकि उस पे होता है फिनेंस सेक्रेटरी का। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने का इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न कितनी बार पूछा जाता है कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। आपको आरबीआई गवर्नर का उसमें ऑप्शन भी होता है, तो कई लोग गलती कर जाते हैं और इसको जो है गलत टिक करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखना, आपको यहाँ पर 1 रुपए का नोट जो है वह इश्यू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसको जारी करने के बाद जो इसके ऊपर सिग्नेचर होता है वह होता है फिनेंस सेक्रेटरी का। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? इसका जो करेक्ट आंसर है फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिरोज शाह तुगलक तुगलक डायनेस्टी का थर्ड रूलर था और उसने 24 जो है करों को समाप्त करके केवल 4 कर लगाए थे। फिरोज शाह तुगलक के नाम पर ही जो है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, जिसको कि अभी नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। फिरोज शाह तुगलक ने वाटर टैक्स लगाया था, पानी पर यह टैक्स लगाया था इसने, तो यह यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। राजशेखर एवं जिनप्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? इसका उत्तर है यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जो है जजिया कर लगाया था। ये जजिया टैक्स होता क्या है?
जजिया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था किसने, अगर आपसे यह पूछा जाए तो? इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसका पर्पस यह था कि इस टैक्स को उन लोगों से लिया जाता था, उन नॉन मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, इस बदले में कि वो जो है उनकी प्रोटेक्शन करेंगे, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए जो है यह मुस्लिम रूलर्स के द्वारा लिया जाता था। और जो जजिया टैक्स है इसको समाप्त किया था अकबर ने, हालांकि औरंगजेब ने इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया था, पर लागू किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने हासिल शर्ब, हके शर्ब जो कि सिंचाई कर कहते थे, नामक एक नया कर लगाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, हासिल शर्ब या हक ए शर्ब। यह जो कर लगाया था, यह सिंचाई कर जो है लगाया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम जो सुल्तान था वह था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खान था, यह बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खान के नाम से भी जाना जाता था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा जो है वो क्या था? दारुल सफा फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था, तो एग्जैक्टली था क्या, यह बताना है आपको। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका सही उत्तर करें। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दारुल सफा एक बेसिकली खैराती अस्पताल था। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी ठट्टा में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रॉकीज, एंडीज, एटलस, एल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है? तो यह जो है यह वलित पर्वत का उदाहरण है, रॉकीज, एंडीज, एटलस या एल्प्स या हिमालय। आपसे कोई भी कोई इसमें कुछ भी पूछ ले तो यह जो है वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन है, यह बताना है आपको। इसका उत्तर होगा एकानकागुआ। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। एंडीज पर्वतमाला यह कहाँ स्थित है, किस कंट्री में? अर्जेंटीना में। और इसकी जो ऊंचाई है 6,960 मीटर है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किली मंजारो किस कहाँ पर अवस्थित है, किस देश में? किली मंजारो। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंजानिया में किली मंजारो स्थित है। यह एक तरह का जो है डोरमेंट वोल्केनो है, डोरमेंट वोल्केनो है। इसकी हाइट है 5,900 समथिंग, 950 मीटर्स। आपको बताना है कि यह जो तंजानिया है इसका कैपिटल क्या है, और यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में किस डायरेक्शन में स्थित है। मतलब यह है कि यह नॉर्थ में है, साउथ में है, नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है। आपको इसका डायरेक्शन कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका कैपिटल क्या है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील, नेविगेबल लेक जो है वह कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचाई पर जो नेविगेबल लेक है, मतलब नौकायान लेक, वह है टिटिकाका। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट होगा। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? महत्वपूर्ण है प्रश्न यह। आप जब भी वर्ल्ड ज्योग्राफी करें और तो आपको जरूरी है कि आप एटलस लेकर इन चीज़ों को, फैक्ट्स को समझे अच्छे से एटलस के थ्रू, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं, कहीं से प्रश्न आ जाए आप इसका गलत आंसर नहीं करेंगे कभी। इसका उत्तर होगा तंजानिया, केन्या और युगांडा। इन तीन देशों के बीच में जो है विक्टोरिया झील स्थित है। हम आपको मैप के थ्रू ये समझाते हैं।
ये पोजीशन लेक विक्टोरिया है, अफ्रीका का मैप है ये। इसमें युगांडा, केन्या और तंजानिया, आप देखेंगे इन तीन कंट्रीज के बीच में जो है लेक विक्टोरिया स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? चौथा ऑप्शन माफ कीजिएगा, नन ऑफ दीज। पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है लेक बैकाल को, ऑप्शन ए यहां करेक्ट होगा। प्रसिद्ध अंगुली योनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? मतलब यह है कि वैसी झीलें जिनका जो आकार है वह उंगलियों के समान है, उंगलियों की तरह दिखने वाला है, फिंगर शेप्ड। तो ऐसी झील वर्ल्ड में, ऐसा झील का क्षेत्र कहाँ पर है? तो यह जो है स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जो ग्रेट लेक्स हैं अगर आप उनको मैप में देखेंगे तो यह फिंगर्स की तरह आपको दिखाई देंगे, अंगुली योनुमा। निम्न में पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लैक फॉरेस्ट जो है वह राइन नदी के किनारे अवस्थित है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बनाते हैं, जो मार्ग बन जाते हैं? तो वो जो नेचुरल जो स्टेप्स होते हैं, जो नेचुरल रूट होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं पासेस, दर्रा कहलाते हैं वो। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। निम्न में से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आसान प्रश्न है, आपको यह पता होना चाहिए। तो कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है? तो 5 देशों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। इसके ऊपर प्रश्न आपको दिखाई देंगे, विश्व की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व की सबसे मीठे जो जल की झील है वह है लेक सुपीरियर, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं खारे पानी का जो सबसे ज्यादा खारा है जहाँ का जल, वह झील कौन सा है? कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सर्वाधिक जो गहरी झील है वह है लेक बैकाल, ऑप्शन सी। यह किस देश में स्थित है आप हमें कमेंट में बताएं। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची जो झील है वह कौन सी है? माफ कीजिएगा, इस प्रश्न में टाइपिंग मिस्टेक है। इसका करेक्ट आंसर होगा मृत सागर, जो कि ऑप्शन डी होता। डेड सी जो है यह समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। अगला प्रश्न है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो पर्वत सीमा बनाता है वो है पैडनीज। तो चलिए हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं। ये है पैडनीज पर्वत जो रेड हाईलाइटेड है, यहाँ फ्रांस आप देख सकते हैं मैप में, और ये रहा स्पेन। अभी स्पेन में कोरोना वायरस का जो कहर है बहुत ही बुरे ढंग से फैला हुआ है, और ये जो पैडनीज है यह माउंटेन दोनों कंट्री के बीच में स्थित है। मतलब और आखिरी प्रश्न देखते हैं, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? कैस्पियन सागर कही है इसको, कैस्पियन झील कही है। वो कौन सी कंट्री है जो कि कैस्पियन सागर से अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करती है? आपको पता होना चाहिए 5 देश जो है वह कैस्पियन सी से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, और इसमें जो हमारे ऑप्शन में जो नहीं है वह है ऑप्शन सी यूक्रेन। यूक्रेन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर।
मैप के थ्रू अगर देखें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, आपको दोनों को बाउंड्रीज के साथ अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप यहाँ से स्टार्ट करें, एंटी क्लॉकवाइज कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं याद करने के लिए। जैसे अगर आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्लॉकवाइज लेंगे, तो अजरबैजान से स्टार्ट करेंगे, रशिया, फिर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अंत में ईरान। ये जो कंट्री है, पांच कंट्री जो कि कैस्पियन सी से अपना बाउंड्री शेयर करती है। आप अपना जो है प्रश्नों का उत्तर मिला लें जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, और हमें अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही हम आज का एपिसोड जो है समाप्त कर रहे हैं, और जिनको यह वीडियो पसंद आया है तो उस प्लीज को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।